मान रहे हैं। आज की बात में आज हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी की कि सिविल सोसाइटी को किस तरह बेहतर किया जाता है, माशरे में बेहतरी किस तरह लाई जाती है। उसके दो एलिमेंट्स हैं, एक कलेक्टिव है, एक इंडिविजुअल है। इनफरादी तौर पर हम मोटिवेशन में जो करते हैं, आज हम कलेक्टिव केस करेंगे कि इनफरादी तौर पर सिविल सोसाइटी को, एक सोसाइटी को बेहतर किस तरह किया जाता है। उसके दो हैं इंग्रेडिएंट्स, कह लें सेगमेंट्स कह लें, एक है हमारा जस्टिस और दूसरी है डेमोक्रेसी। तो आज जस्टिस पर बात करेंगे कि माशरे में अगर इंसाफ होता है तो माशरा किस तरह तब्दील होता है, माशरे में अगर इंसाफ नहीं होता तो सिविल सोसाइटी किस तरह सर्वाइव करती है, किस तरह सफ़र करती है। तो उसके लिए हम चलेंगे आज तारीख से, हिस्ट्री से हम लेंगे कि जस्टिस की क्या पोजीशन है, जस्टिस कहां से शुरू हुआ, जस्टिस की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम अगर तारीख का मुताला करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमोराबी 630 क़ब्ल मसीह की शख्सियत है। दुनिया में सबसे पहले जो कानून को शेप में लाए, जो कानून लाए, 282 सेक्शंस उन्होंने किए थे, इसको कहते हैं हमोराबी कोड, हमोराबी लॉ। तो उन्होंने दुनिया में सबसे पहले, रोम की शख्सियतें हैं, एथेंस की हैं, तो उन्होंने वो कोड लाए। कहते हैं कि हमोराबी ने सबसे पहले जो कानून बनाया वो इतना सख्त था कि हर आदमी उस पर अमल करता था, और उन्होंने तश्किल सिर्फ दो मकासद के लिए दी थी, एक अमन अमान के लिए और दूसरी जराइम की रोकथाम के लिए। और हमोराबी के इतने कानून सख्त थे कि उसको आज तक ड्रेकोनियन ला कहा जाता है, यानी सख्त गिर ला में आ जाता है। तो हमोराबी ने एक शेप देकर हमें दुनिया को बताया कि किस तरह कानून होता है और किस तरह की कानून की पासदारी होती है। उसके बाद फिर क़िबले मसीह की दूसरी शख्सियत है सोलोन आते हैं, वो 504 की शख्सियत है क़िबले मसीह की। तो सोलोन ने उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली लाए, उन्हीं कानून को अवाम के अंदर किस तरह उन्होंने एम्बोस किया या उनको इंट्रोड्यूस किया। कहते हैं कि सोलोन सबसे पहले उन्होंने पत्थर पर एम्बोस करके वो कानून लिखे, उसके बाद थोड़ी हमोराबी के ला की चेंजिंग करके उन्होंने अपने कानून बनाए। तो उसके बाद कहते हैं कि जिस तरह आजकल बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, इस तरह वो बाज़ारों में, गलियों में वो एम्बोस करके कानून लगा देते थे, और सोलोन की कानून की पाबंदी स्टेट को, रियासत को, लोगों को करनी पड़ती थी। कहते हैं कानून इतना सख्त था कि हर आदमी अपने तौर पर अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ समझकर उनको फॉलो करता था, और सोलोन के कानून आम आवाम तक पहुंच गए। कहते हैं सोलोन के कानून के बाद एथेंस में दो इमारतें बनाई गई थी, एक के अंदर कानून का रिकॉर्ड, अदालतों का रिकॉर्ड रखा जाता था, और दूसरे के अंदर अदालतें चलाई जाती थी। और सोलोन का कानून कहते हैं कि उस वक्त रोम के अंदर चलता था, और जो भी अरीब करीब के थे उस सोलोन को फॉलो करते थे। उसके बाद आते हैं एक और शख्सियत आती है पहली सदी ईस्वी में, जस्टिनियन का कानून इस तरह इम्प्लीमेंट हुआ कि वो बाज़ारों से लेकर गलियों तक, घरों तक और दुनिया तक फैल गया। अब तक दुनिया में कहते हैं यूरोपियन जो भी कानून ला करते हैं वो जस्टिनियन का करते हैं। जस्टिनियन पूरे सेंट्रल यूरोप और यूरोप के अंदर फैल गया। आज तक दुनिया में यूरोप जो भी कानून इस्तेमाल करता है वो सारे जस्टिनियन के करता है। जस्टिनियन का कानून इस तरह था कि आम आवाम की पहुँच तक भी था, और वो इतना उसमें लीनियंसी इतनी थी कि आम आदमी उसको फॉलो करने में फ़ख्र महसूस करता था। कहते हैं जस्टिनियन लॉ जब यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ है तो सबसे पहले लोगों ने अपने आप को इस तरह कहा है कि हम अमान में आ गए, हम अपनी सिक्योरिटी में आ गए, हम सिक्योर हो गए। रियासत किसी को अगर सिक्योरिटी नहीं देती तो हम कानून को जब फॉलो करते हैं तो हम खुद बखुद उस सिक्योरिटी के अंदर आ जाते हैं, और उस अमल करने के बाद इतनी हमें अमन अमान की पोजीशन आ जाती है कि हमें अनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती। उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, क़िबले मसीह की शख्सियत हैं, वो किस तरह उन्होंने कानून को इंट्रोड्यूस करके किस तरह कानून को पेश किया है, तो वो है पेरिक्लेस। कहते हैं एंटीगोनी उनका नावल है, रोमन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ है, बहुत शानदार उनकी है। एंटीगोनी उनका नावल है, उसमें वो कानून की पूरी शक्ल को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, फितरत के कानून को और लोगों के कानून को किस तरह हम आम करते हैं कम्बिनेशन में। कहते हैं एंटीगोनी एक शख्सियत है, कहते हैं उस वक्त बादशाह जो है उसने कानून लागू कर दिया, और पूरा कानून इतना सख्त था कि कोई भी उससे बाहर नहीं जा सकता था। मगर उस वक्त एक बगावत निकल आई, और एंटीगोनी का भाई जो है वो बगावत पे उतर आया और उसे मारा गया। जब मारा गया तो कहते हैं लाश, रोमन एम्पायर की पूरी सल्तनत दिखाते हैं उसमें, कहते हैं उसकी लाश बरहना पड़ी हुई थी, और बादशाह ने ऐलान किया कि आज से ये मैं कानून लागू कर देता हूँ
कि कोई भी लाश जो बगावत के तौर पे आएगी उसे दफन नहीं किया जाएगा और वो लाश कई दिनों तक पड़ी रही, मगर कहते हैं एंटीगोनी ने उस लाश को उठाकर सुपुर्दे खाक कर दिया और उसे दफनाया। अब बगावत का मुकदमा एंटीगोनी पे चला है और अदालत में उसे पेश किया गया। अब वर्डिंग सुनिए ला की बड़ी रिमार्केबल है। अक्सर यूरोप की अदालतों में कहा जाता है, एंटीगोनी से पूछा गया कि जब कानून मौजूद था कैसे दफनाना नहीं है, फिर तुमने सुपर्द खाद मिट्टी के हवाले क्यों इस लाश को किया? उसने कहा कि एक बादशाह का कानून उसका खुद साख्ता था, उसका खुद बनाया हुआ कानून था, ये फितरत का कानून नहीं था। मैं फितरत के कानून को फॉलो करके उसको ज़मीन के अंदर दफन किया है। एक आदमी का कानून तो तोड़ा जा सकता है मगर एक फितरत का कानून नहीं तोड़ा जा सकता। कहते हैं कि एंटीगोनी के ये वर्ड आज भी अदालतों में गूंजते हैं। कहते हैं जब भी कानून हो कि कानून एक शख्स और पार्लियामेंट इदारे से निकले और फितरत के हम आंग हो, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो सोसाइटी भी बेहतर होती है, फ़र्द भी बेहतर होता है, माशरा भी तश्कील देते हैं। एक कोटेशन आखिर में आपसे चाहूँगा, इंडो पाक की बहुत आला शख्सियत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन पर कभी डिटेल से हम बात करेंगे। उनको जब अदालत में लाया गया था तो एक कोटेशन उनकी बड़ी मशहूर हुई थी। उन्होंने कहा था कि कानून मकड़ी का जाला है जिसमें कमज़ोर फंस जाता है और ताकतवर निकल जाता है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो माशरा कभी भी परवान नहीं चढ़ता, मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। इसलिए कानून को फॉलो करें, फितरत को फॉलो करें और उसके हम आम चलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।